बालकों का पोषण इत्यादि क्षेत्र में भी विशिष्ट सेवा हेतु आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए अपनी एक सशक्त वक्ता को नारी शक्ति के ऊपर अच्छा सा हमें समझाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए सब हम आमंत्रित करते हैं ममता शर्मा जी को। ममता जी, ओवर टू यू। आज गुरु पूर्णिमा की सुपावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक कविता के माध्यम से मैं अपनी भाषा का शुभारंभ करना चाहूंगी कि तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र की बेड़ियां निकाल के बना ले इनको शस्त्र। जब चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी जला, जब चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी पापियों को हक नहीं कि ये ले परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर उस क्रूरता की जाल को, तू आरती की लो नहीं तो युद्ध की मशाल है। चुनर उड़ा की ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, जो तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। इसलिए महिला शक्ति का परचम दिखाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। अब हम बात करें महिला सशक्तिकरण की। पहले तो ये जाने सशक्तिकरण क्या है, सशक्तिकरण का क्या तात्पर्य है। सशक्तिकरण का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति की वह योग्यता जिससे कि वो अपने जीवन के जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सकते। अब महिला सशक्तिकरण में भी हम इसी योग्यता की बात करेंगे कि महिलाएं अपने जीवन के जुड़े सभी निर्णय परिवार समाज के बंधन से मुक्त होकर स्वयं ले सके। महिला हमारे ग्रंथों में भी महिला की शक्ति को मानते हुए यहाँ तक लिखा गया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी आज उसको सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता है। सशक्तिकरण महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनके स्वयं के निर्णय लेने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। महिला सशक्त होगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा, नहीं तो चारों तरफ से बहुत अच्छा महसूस करेंगे। खुद से प्यार कीजिए, खुद से मोहब्बत कीजिए, बहुत अद्भुत चीज है। देखिए जो भी चीज शुरू होती है उनसे खुद से शुरू होती है और खुद पे खत्म होती है। चाहे कुछ भी, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे उसका सॉल्यूशन हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे खुशी हो, सेल्फ से शुरू होती है और सेल्फ पे खत्म होती है। हमारी जो नेचुरल स्टेट है वो भी हैप्पीनेस की है। हम टेंशन में जाते हैं, हमारी जो नेचुरल स्टेट है वो भी हैप्पीनेस की, हम टेंशन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को जानते ही, हमारा खुद से अलाइनमेंट ही नहीं है। जब हमारा खुद से अलाइनमेंट ही नहीं है, आप देखिए एक गाड़ी के टायर है, जब उनका अलाइनमेंट नहीं होता तो जहां उनको 50,000 किलोमीटर चलना है वो 20,000 किलोमीटर भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो क्या होगा जब हमारा खुद से अलाइनमेंट नहीं होगा, तो हम भी अंदर से खत्म हो जाएंगे। इसलिए खुद को जानो, खुद को समझो, खुद की शक्ति को पहचानो। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ खुद के बारे में ही सोचो, लेकिन खुद के बारे में भी सोचो, खुद से मोहब्बत करो। आप में से हम में से कई लोगों ने प्लेन का सफर किया है तो हम उसमें देखते हैं एक एयर होस्टेज जब भी एक एयर होस्टेज अनाउंस करती है कि जब भी इमरजेंसी आए मास्क नीचे आएगा, तो पहले खुद को लगाना है बाद में दूसरों की मदद करनी है। वो ऐसा क्यों कहती है? वो ऐसा इसलिए कहती है कि वो जानती है कि जब आप खुद की मदद करेंगे तो आप दूसरे 10 लोगों की मदद करेंगे, लेकिन अगर आप खुद की मदद नहीं कर पाएंगे तो दूसरे लोगों की मदद कहाँ से करेंगे। इसलिए खुद को पहचानिए, खुद को हेल्थी रखिए, खुद को फिट रखिए, खुद को मेंटेन रखिए। जब आप खुद को हेल्थी रखेंगे, खुद को फिट रखेंगे, खुद को मेंटेन रखेंगे, तो परिवार की भी मदद करेंगे, समाज की भी मदद करेंगे, कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारी रिश्ते की खुशियां हमारा इंतजार करती, बस हमारी कोशिश नहीं रुकनी चाहिए।
अब हम बात करें, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदी बेन, उसके बारे में सब जानते हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया। उस जमाने की बात है, आज तो सारी फैसिलिटीज है, उस जमाने में डॉक्टर की पढ़ाई भी यहाँ नहीं होती थी, और उन्होंने अपने बच्चे की मौत के 14 दिन बाद ये तय किया कि वो डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाएगी। कितना मुश्किल था परिवार से लेके समाज का विरोध करना। महज उनकी उस समय हम बात करें 18वीं शताब्दी की, जब महिलाओं की बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, बाल विवाह हो जाता था, महिलाएं चार दीवारी में रहती थी, घर से लहरा रही है। लेकिन हम उस समय की बात करें 18वीं शताब्दी की, जब डॉक्टर आनंदी बेन की उम्र 9 साल की थी जब उनका विवाह हो गया था। 9 साल की उम्र में उनका विवाह अपने से 20 साल बड़ी उम्र के गोपाल राव के साथ हुआ। उन्होंने जब वो माँ बनी तो महज उनकी उम्र 14 साल की थी। वो माँ बनी, बहुत खुश थी वो, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ 10 दिन में छिन गई किसी बड़ी बीमारी के कारण। 10 दिन के अंदर उनके बेटे की मृत्यु हो गई और उनको बहुत दुख हुआ, और उनको ये सदमा, इस सदमे से वो टूट गई, और जो ये सदमा था बेटे को खोने का, ये उनका टर्निंग पॉइंट था। और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब वो किसी को, किसी भी बच्चे की ऐसे में मौत नहीं होने देगी और वो डॉक्टर बनेगी। लेकिन समाज और परिवार का इतना विरोध था कि एक समाज कभी नहीं चाहता था कि एक हिंदू महिला विदेश जाकर पढ़ाई करे, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था। वो कहती थी कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करनी नहीं, मैं नौकरी करने की इच्छा से अमेरिका नहीं जाना चाहती, मैं अपने देश की जान बचाना चाहती हूँ, अपने देश के बच्चों की जान बचाना चाहती हूँ, अपने देश में जो ऐसे में मौत हो रही है मैं उनको बचाना चाहती हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। और उनके इन दृढ़ निश्चय के आगे समाज की एक न चली और वो 7 समुद्र पार पढ़ाई करने के लिए गई। उन्होंने विदेश में जाके पढ़ाई की और फिर बाद में आनंदी बेन, डॉक्टर आनंदी बेन बनकर आई और उनको देश की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन फिर हमारी देश की महिला महज 22 साल की उम्र में आनंदी बेन टीवी की बीमारी का शिकार हुई और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। इसलिए दुनिया की कोई भी कामयाबी इस बात की मोहताज नहीं है कि आप औरत हैं, इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है और आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं। तो अब हम क्या कर गुजरने को आप तैयार है। महिला बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत शक्ति होती है, वो सब कुछ कर सकती है। महिला चाहे तो एक पत्थर से पानी निकाल सकती है। महिला आज की महिला बहुत ताकत है, आज की महिला में बहुत शक्ति है। मैं यही कहूंगी कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। आज मैं दिल से सम्मान करना चाहती हूँ उस महिला का जिसकी वजह से इस पूरे विश्व का वजूद है, जिसकी वजह से इस पुरुष प्रधान समाज का वजूद है, जिसकी वजह से हमारे देश को, आज हमारे देश की आप महिलाओं को देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, कैसे हमारे देश को गौरव प्राप्त हो रहा है। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया मैरी, दुनिया में ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं जिसे नारी कर नहीं सकती। तो महिला, हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। आज की नारी हर काम में आगे है, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने लगी है। आज की नारी जग जागृत नारी है और 21वीं सदी की नारी सुखदमयी सदी की नारी है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं धन्यवाद देती हूँ अजय जी को, भावना जी को, उन्होंने आज की सशक्त प्रकरण पर मुझे अपने भाव रखने का मौका दिया। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू ममता जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में कविता के जरिए हमारी सशक्त नारियों के बारे में बताया। और बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ जो भी आपने पॉइंट्स बोले। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ और रिसेंटली मैं ये देख रही हूँ कि हमारी कॉर्पोरेट दुनिया में भी इस चीज पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि
विमेन को 50-50% मौका दिया जाए। हमारी कंपनीज में भी, आयल से मैं जिस कंपनी से आती हूँ वहां पे इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है कि लेडीज एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आए और उनको इक्विवेलेंट राइट्स मिले, उनको किसी भी तरीके के जेंडर बायस का सामना ना करना पड़े। नायल से हमारे जो मैनेजमेंट है वो इस पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल के समय में जहां हम लोग बहुत ज्यादा पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, वहां पे लोग इन चीजों को समझ रहे हैं। स्पेशली जब जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ उसमें भी जब ऐसा हो रहा है तो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू ममता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, स्पेशली आप बीमार हैं उसके बावजूद आप हमारे पास, हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना जी, थैंक यू अजय जी। अजय, थैंक यू ममता जी। मेरी कल से आपसे बात हो रही है, मुझे पता आपकी तबीयत काफी खराब थी, फिर भी आप आई, थैंक्स अ लॉट। पर मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, शायद आज का मेल भी बहुत समझ रहे हैं, सब मेल्स की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा, शायद आप सब समझ रहे हैं और सबको मालूम है विदाउट लेडीज कुछ भी नहीं हो सकता। और सबकी तरफ से भरोसा दिलाता हूँ, हम लोग सब मिलकर साथ काम कर रहे हैं और आपके चीजों को सही में महिला सशक्तिकरण पर सब लोग मिलकर काम करेंगे। थैंक यू ममता जी। थैंक यू एवरीवन। आपसे विदा लेने से पहले मैं अपना अगला स्वयं मंथन का टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रैकिंग फियर कोड, और इस टॉपिक में जो वक्ता हमारे साथ होंगी वो है मेघा डड्डा जी, पांची बुक राइटर आल्सो। तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आत्मविश्वास भरा सेशन होने वाला है। प्लीज हमारे साथ जुड़िए नेक्स्ट सेशन में। वंस अगेन थैंक यू ममता जी फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।